वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, आप सभी का स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है ट्वेल्थ पास, यहाँ पर जो भर्ती आ चुकी है, यहाँ पर जो है ये 128 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट बात करेंगे, यहाँ पर जो है ये 26 अक्टूबर 2024 है ये, और ये भर्ती निकाली गई उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। टेंथ और ट्वेल्थ वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये 128 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है। बात कर रहा हूँ मैं कंडक्टर भर्ती की। यहाँ पर जो ये जो नए जनपद वहाँ भर्ती इसमें आउट हो चुकी है। यहाँ पर जो है ये पहला आपका भर्ती यहाँ पर जो है ये लखनऊ जो भर्ती विज्ञापन आउट हो चुका है। यहाँ पर जो है ये वहीं पर जो है 128 पदों पर भर्ती, एक तो ये वाली भर्ती आई हुई है लखनऊ में जो 128 पदों पर भर्ती आ चुकी है, वहीं पर 249 पदों पर यहाँ पर जो है ये कंडक्टर भर्ती चल रही है। उत्तर प्रदेश है ना सड़क परिवहन की निगम से हम टेंथ और ट्वेल्थ वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर टेंथ और ट्वेल्थ वाले यहाँ पर देख सकते हैं है ना ट्रिपल सी वगैरह कर रखा, तो ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्वालिफिकेशन सबकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन सब समान है ना, एज लिमिट देख लिया 18 से 45 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। 13,566 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी। मुरादाबाद से भर्ती का विज्ञापन आउट हो चुका है। मुरादाबाद वाले कहते हैं सर हमारे यहाँ जनपद से आप बताते नहीं है, है ना, तो ये देख ले मधुबनी के आसपास बहुत गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर जो है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वहीं पर जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर ट्वेल्थ पास आपने 101 है ना 101 पदों पर जो है ये परिवहन निगम से भर्ती आउट हो चुकी है। 26 अक्टूबर लास्ट डेट यहाँ पर जो कंडक्टर भर्ती आउट हो चुकी है। जैसे सरकार ने बोला 10,000 पदों पर हम कंडक्टर भर्ती करेंगे, तो भैया कंडक्टर भर्ती चल रही है ना, सभी क्वालिफिकेशन समान है, सैलरी सब समान है ना। आपका ट्वेल्थ पास कर रखा, ट्रिपल सी कर रखा और नहीं कर रखा तो कहीं से कर लीजिएगा, जैसे तैसे करके। यहाँ पर जो स्काउट गाइड अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल इसमें जो है भर्ती आपकी जो है ये मुरादाबाद से आ चुकी है बरेली, मुरादाबाद के पास में 90 किलोमीटर दूर यहाँ पर बरेली है ये, बरेली से भर्ती विज्ञापन भी आए यहाँ पर जो आउट हो चुका है। यहाँ पर जो है ये वो वहीं पर जो एक भर्ती और है यहाँ पर 62 पदों पर भर्ती चल रही कंडक्टर भर्ती यहाँ पर परिवहन निगम की तरफ से। यहाँ पर जो है ये आपका टेंथ और ट्वेल्थ वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये क्वालिफिकेशन सबकी सेम रहेगी यहाँ पर जो, और भैया यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है 16,162 रुपये, क्यों ज़्यादा है तो भैया देख लीजिए। यहाँ पर गाज़ियाबाद ये भर्ती जो आई है गाज़ियाबाद से आई है, क्योंकि गाज़ियाबाद नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुरादाबाद बरेली ये मंडल में आते हैं। फिलहाल 13,000 रुपये सैलरी है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका जो है कंडक्टर भर्ती आपका निकल रही है गाज़ियाबाद से, ठीक है। तो गाज़ियाबाद से भर्ती इसमें 16,000 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी गाज़ियाबाद वाले, एज लिमिट सबका सेम रहेगा, वो देख लीजिए। यहाँ पर जो है वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर का नाम आपने सुना ही होगा, 57 पदों पर भर्ती चल रही है, सबकी लास्ट डेट की बात करें 26 अक्टूबर 2024 है, कंडक्टर भर्ती इसमें आउट हो चुकी है। यहाँ पर वहीं पर देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन आउट हो चुका है। यहाँ पर भी 16,162 रुपये सैलरी, भैया गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के पास लगा हुआ है यहाँ पर जो ये, तो उसके यहाँ पर जो है सैलरी ज़्यादा रहेगी। गाज़ियाबाद ग्रेटर नोएडा के आसपास वाले क्षेत्र नंबर 1 श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो ये बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने फॉर्म बता दो दिया, भरना कैसे है ये तो बताइएगा। तो फॉर्म भरने के लिए भाई देखो आप सभी अंदर पुराना अपना वही है, आपको करना क्या है सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो है ये वहाँ पे जाके इस तरीके से आप अप्लाई जो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा फिफ्थ पास, अगर आपने फिफ्थ पास कर रखा सफाई कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन आउट हो चुका है, और ये विज्ञापन जो निकाला गया जनपद गाज़ियाबाद यहाँ पर देख लिया, और ये केवल और केवल जो है ये जनपद गाज़ियाबाद से निकाला गया। आवेदक का नाम, पिता का नाम, वर्तमान स्थिति, ये सब आपको फॉर्म भरना होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करें 18-40 साल की उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता की बात करेंगे तो 5 में 5 इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे 8,840 रुपये सैलरी दी जाएगा है ना, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये संविदा की नौकरी में मैं आपको बता, देखो स्पष्ट करना जरूरी रहता है, डाउट में रखता नहीं सारा किसी को। यहाँ पर जो ये 26 अक्टूबर यहाँ पर जो ये इसकी लास्ट डेट, यहाँ पर डाउट नहीं रखता किसी को भाई में, यहाँ पर जो है देख लीजिए डाउट में किसी को रखता नहीं, संविदा की नौकरी सही थी स्पष्ट है, खुलकर बोलता हूँ। यहाँ पर जो ये मैं ये भर्ती संविदा में निकाली गई गाज़ियाबाद से है ना, 8,850 रुपये सैलरी 8 और 17 अक्टूबर के दिन इसका जो विज्ञापन आया था। यहाँ पर जो ये देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये जो है भर्ती निकाली गई यहाँ पर जो है ये, और ये 8,840 रुपये सैलरी इसमें आपको प्रतिमाह मिलेगी है ना, और अवकाश में इसमें दी जाएंगी, और 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट आवेदन की, तो सफाई यहाँ पर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक सफाई करनी होगी सुबह। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये रोजाना की सफाई होगा, वही देख लीजिए यहाँ पर जो अधिकारी के साइन भी हो रखे हैं यहाँ पर जो ये, तो इसके इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सफाई कर्मी का भर्ती विज्ञापन इसमें आउट हो चुका है। यहाँ पर जो ये फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यदि आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो जो है आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ जाकर मेरे को एक तरीके से मैसेज करिएगा, मैं आपको पर्सनली इसमें रिप्लाई कर दूँगा।
और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे वीडियो का हर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं पर 941 होमगार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में समस्त जिला कमांडेंट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भर्ती के लिए बोला गया था, और भर्ती जो है ये कुंभ के मेले के लिए होमगार्ड भर्ती मुख्यालय से आउट हो चुका है। यहाँ पर जो विज्ञापन, यहाँ पर जो ये पूरी लिस्ट दिखाऊंगा कहाँ से कितने जवान जाएंगे यहाँ पर भर्ती होकर, यहाँ पर जो ये 600 रुपये 18,000 रुपये प्रतिमा इनको सैलरी दिया जाएगा ये, और इनसे कितने घंटे काम लिया जाएगा वो भी इसमें लिखा हुआ, 8 घंटे काम लिया जाएगा इनसे। 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम कर भी नहीं सकता, आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो ये, और हर महीने की जो है 10 तारीख तक यहाँ पर जो है ये सैलरी आपके खाते में आ जाया करेगी। तो ये देख लीजिए लिस्ट, यहाँ पर आगरा से है, मथुरा से है, मैनपुरी से, कितने कितने ये जाएंगे यहाँ पर जो ये होमगार्ड जनपद बार यहाँ देख सकते हैं। पूरा लिस्ट यहाँ पर जो है वो आउट हो चुका है। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, कासगंज, कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, फतेहगढ़ है, इटावा है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इतने ये वहाँ पर पॉइंट यहाँ पर जो है होमगार्ड भर्ती होकर जाएंगे। वहीं पर जो है आपका झांसी है, उरई है, अब ललितपुर, गोरखपुर, देवरिया, यहाँ से भर्ती इसमें आउट हो चुकी है जो है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहानपुर, मुरादाबाद, ये इतनी लिस्ट यहाँ पर जो है जनपदवार आ चुकी है। साथ में कमेंट भी आया हुआ है मेरी वीडियो पर, कल रात की वीडियो में मैंने होमगार्ड भर्ती बताया था, तो उन्होंने कहा है 23 जून 2024 को योगी जी ने कहा था यहाँ पर जो है होमगार्ड भर्ती दो शिफ्ट, पहले शिफ्ट में 21,000 रुपये दिए जाएंगे और सेकंड शिफ्ट में आप 21,000 रुपये दिए जाएंगे, पर आज तक 20 अक्टूबर हो गया पर अभी तक कोई शासन आदेश जारी नहीं किया गया, होमगार्ड भर्ती भी खत्म हो गया। तो वो सरकार जाने, सरकार कौन कौन से वादे करती है पूरे हुए नहीं हुए पर मुझे नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भाई, जो अखबार में निकलती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, और जो भी वैकेंसी आती है वही मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्म भरना भरिएगा, नहीं भरना मत भरिएगा। उसी तरीके से सरकारी, अगर आप सरकारी जो है माली बनना चाहते हैं गार्डनर, ठीक है, तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी 1639 पदों पर चल रही है, यहाँ पर देख लीजिए 18-40 साल का उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये ग्रुप डी में नौकरी आती है, ठीक है, ये देख लो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी चल रही है यहाँ पर जो ये, और भाई यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आगे यहाँ पर जो 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना आप सभी जानते हैं, सरकारी result.com से फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो ऑफिशियल साइट ये दरखा है और यहाँ पर जाकर भी वाला फॉर्म भरा जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो माली की भर्ती इसमें आउट हो चुकी है, देख लीजिए यहाँ पर जो है, और ये संविदा की नौकरी नहीं है, प्राइवेट नहीं, सरकारी है, ये सरकारी गार्डनर बनेंगे, सरकारी माली आप बनेंगे यहाँ पर जो है। ये कुछ दिन पहले अखबार में एक न्यूज़ आई थी कि रोज़गार के लिए हम युवाओं को बिना गारंटी के, बिना ब्याज के हम जो 10 लाख रुपये देंगे, 5 लाख रुपये देंगे, फॉर्म कैसे भरना, हालांकि कमेंट कर रहे हैं, कई बार कमेंट कर चुके हैं यहाँ पर जो है। तो ये जो लोन मिलेगा ये आपको युवा फैलो की तरफ से मिलेगा, हर जिले में युवा फैलो होंगे, दो है ना, CM युवा फैलो की भर्ती करेंगे, और देख लीजिए हर जिले में यहाँ पर भर्ती होंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ उद्यमी विकास अभियान है, उद्यमी कहते हैं वही ऋण दिलाने के लिए, युवाओं को कर्ज दिलाने को मददगार बनेंगे फॉलो, यहाँ पे फैलो 160 फैलो हर माह इसमें वेतन मिलेगा 40,000 यहाँ पर जो है, ये लाखों जो है बेरोजगार युवाओं को इसका जो लाभ दिलाने के संबंध में, मतलब क्या युवाओं को कर्जा दिलाएंगे, तो वहाँ पे जो फैलो भर्ती होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे, इन्हें 40,000 रुपये प्रतिमा मिलेगा, तो 40,000 रुपये प्रतिमा इनको दिया जाएगा, इन्हीं से ही आप संपर्क कीजिएगा, हर जिले में तैनात होंगे, और मैं आपको बता दूंगा ये इनकी भर्तियाँ स्टार्ट होने वाली यहाँ पर जो है ये। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पर जो ये, और यहाँ पे मैं आंगनवाड़ी की भर्ती का सुपरवाइजर की भर्ती बता चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कमेंट भी कराया कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते, यहाँ पर भी लिखा हुआ आंगनवाड़ी की भर्ती में सुपरवाइजर भर्ती में जो फीमेल भर सकती है नहीं, तो वहाँ पर लिखा हुआ सिस्टर वीडियो में उन्होंने बोला तो था कि ओनली मेल आवेदन कर सकते हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में केवल और केवल जो है फीमेल आती हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के लिए, प्लस थैंक यू वेरी मच।